फ्रेंड्स आ रहे हैं हम बीएसटी के लिए नेट स्टडीज के लिए। इससे पहले बी स्टडीज में 12th का फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट जो चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे हैं हम कंटिन्यू। और आज हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और इस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में मैं लगातार बता रहा हूं कि यही फंक्शन है जो हमारे बीएसटी की जान है। यानी कि पूरी की पूरी बुक में अगर हम कहते हैं कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पांच है तो पांच चैप्टर है हमारे पास। यानी कि जो हमारा एग्जाम का सारा पैटर्न है वो इन पांच चैप्टर में इन्वॉल्व है। तो शुरू के 3 चैप्टर्स तो अलग है लेकिन पांच चैप्टर इसके हैं, टोटल 8 चैप्टर है फर्स्ट पार्ट है। और उसके बाद हमारे पास जो मार्केटिंग है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। लेकिन काम तो मैनेजमेंट का ही फर्स्ट को पढ़े चाहे सेकंड को पढ़े। यानी कि अगर आपको मैनेजमेंट समझ में आता है तो मैनेजमेंट का वर्क हर जगह होगा। यानी मैनेजमेंट क्या वर्क कर रहा है, फंक्शन यानी कि मैनेजमेंट के फंक्शंस को हमें अंडरस्टैंड करना ही होगा। तो क्या क्या फंक्शन है मैनेजमेंट के? सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। और ये भी इस ऑर्डर में ही है, आप इसके ऑर्डर को भी ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इसका फायदा क्या मिलता है हमें? तो इसका फायदा हमें मिल जाता है अगले चैप्टर्स में जब हम पढ़ेंगे प्रोसेस। अगर हम कहें प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट तो कितना आसान है भाई। पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर स्टाफिंग होगी, फिर डायरेक्टिंग होगी, फिर कंट्रोलिंग होगी, हो गए पांच टॉपिक के लिए। तो किसी भी चीज को यदि हम तरीके से पढ़ लें, हम उसके मतलब बेसिक थीम को समझ लें कि वो एक्चुअली है क्या, तो फिर हमारे लिए कुछ भी टिपिकल नहीं होता। तो यहां आज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं अपने पांचों टॉपिक। प्लानिंग से हम स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो दोनों टॉपिक का काम है ये टॉप मैनेजमेंट करना है। मैंने कहा था ना प्लानिंग बनाना, प्लानिंग को डिजाइन करना। हमारा एम टारगेट क्या है, हमारा एम हमारा टारगेट क्या है, ये डिसाइड करना का काम है हमारे टॉप मैनेजमेंट का। तो यानी कि आप इसे जो लॉ जो मैनेजमेंट के लेवल है उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के लेवल क्या क्या कर रहे हैं। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग इन दोनों को ले लें तो हमारे पास हो गया कौन सा टॉप लेवल, कौन सा हो गया टॉप लेवल। जो स्टाफिंग है वो आ जाएगा मेरा मिडिल लेवल, और जो ये डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ये दो काम है मेरे पास लोअर मैनेजमेंट के। लोअर लेवल अब ध्यान से देखना, मेरे पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, तो ये पांच हमारे पास पॉइंट है। अगर हम इसको लेवल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू भी समझें तो वहां भी हम इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले समझेंगे प्लानिंग, प्लान करना। दिस इज जस्ट ओनली द मेंटल एक्सरसाइज, फ्यूचर को प्रेजेंट में ले आना, फ्यूचर को प्रेजेंट में ले आना। ऐसे कह सकते हैं प्लानिंग मेक्स द ब्रिज बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में जो गैप है उस गैप को कवर करने का ब्रिज है। यानी कि प्लानिंग के थ्रू ही एक मैनेजमेंट सक्सेस हो सकता है। आज तो ये बिल्कुल साबित हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि अगर आप बिना प्लानिंग के काम कर रहे हैं तो आप वर्क नहीं कर सकते हैं, आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं, आप एफिशिएंसी कवर कर ही नहीं सकेंगे। क्योंकि जब तक किसी चीज में प्लान नहीं है, क्योंकि जब प्लानिंग नहीं है तो डुप्लीकेसी होगी, ओवरलैपिंग होगी, काम जबरदस्ती है कि दो बार तीन बार काम हो रहा होगा और काम ठीक नहीं होगा। तो प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग पहले ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना है और उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उस वर्क को कैसे करना है, ये प्लानिंग है। तो प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है जो हमने फ्यूचर में पहुंचाती है, यानी फ्यूचर को प्रेजेंट के साथ मैच कराती है। फ्यूचर को हम प्रेजेंट में ले आते हैं, उस गैप को कवर करते हैं। तो मैं ऑर्गेनाइजिंग एक तरह का
डिवीजन है कि जो प्लानिंग बनाई हुई है उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करना है और उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हमें जो वर्क है उसको डिवाइड करना है। भाई मेरे पास जो एक वर्क है, जो टारगेट है, उसे कोई एक बंदा थोड़ी पूरा करेगा, उसके लिए अलग अलग लोग काम करेंगे। परचेज का परचेज वाला डिपार्टमेंट देखेगा, सेल्स का सेल्स वाला डिपार्टमेंट देखेगा, फाइनेंस का फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा। यानी कि यहाँ पर हमने वर्क को अकॉर्डिंग टू वर्क हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको डिजाइन कर दिया है। ठीक है, कौन सा काम कौन करेगा, यानी कि इसके अलावा ये डिसाइड कर रहा है कि किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यानी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी ऑर्गेनाइजिंग ही डिसाइड करती है। इसका मतलब है कि ये टॉप मैनेजमेंट का काम है। अब इसके थ्रू आप एक चीज और सीख जाएंगे कि मिडिल लेवल में हम काम क्या करते हैं। तो मिडिल लेवल का एक बहुत बड़ा जो रोल है वो ये है कि ये जो हमने डिवीजन किया था, जॉब डिजाइन की थी, हमने वर्क को डिवाइड कर रखा है कि कितने कौन कौन से लोग क्या क्या काम करेंगे, इस डिपार्टमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया हमने, तो किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने लोग होंगे, वो कैसे कैसे काम करेंगे। तो इस काम को कंप्लीट यानी रिक्रूटमेंट, तो यानी कि जो मिडिल मैनेजमेंट है इसका काम है रिक्रूटमेंट करना, यानी कि स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का एक पूरा प्रोसेस है, पूरा एक तरीका है जिसमें हम कंपेटेबल लोगों को अपनी डिमांड अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपॉइंट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, उनकी सैलरी रेमुनरेशन, जिससे कि वो जाए ना। आपने अपॉइंट तो कर लिया, जरूरी नहीं है कि वो रुकेगा आपके यहाँ। तो एक इन्वायरमेंट तैयार करना, यानी पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM पूरा आता है हमारा स्टाफिंग में, और ये मिडिल लेवल का वर्क है। और ये जो हमारा लोअर लेवल होता है वो इसमें हेल्प कर सकता है। क्या करता है? हेल्प तो करता है, तो लोअर मैनेजमेंट का काम भी, लोअर लेवल जो है इसका काम भी स्टाफिंग में हेल्प करना है। क्योंकि तो इसके थ्रू, क्योंकि इनको नॉलेज है कि किस वर्कर में हमें किस तरीके के वर्कर चाहिए, तो ये हेल्प कर देते हैं। लेकिन असली काम फिर हमारा लोअर मैनेजमेंट का ही है, कहना कुछ भी लेना है, लेकिन इनका काम एक बहुत बड़ा काम है डायरेक्टिंग। यानी कि ठीक है, आपने अपनी प्लानिंग भी कर ली, सारी पोस्ट भी डिजाइन कर ली, सब लोग भी आपने रख लिए, अपॉइंट कर लिया, सब कुछ है आपके पास, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, सारे रिसोर्स हो गए हमारे पास, पूरा स्टाफ हो गया, पूरी इंडस्ट्री है हमारे पास, सारे के सारा डिपार्टमेंट हमारे पास तैयार है, वर्कर्स तैयार है। लेकिन समस्या क्या है, काम कैसे कराना है, क्या करना है? तो एक काम की स्टार्टिंग होती है डायरेक्टिंग की। अब देखिए कि मूवी में देखते हैं डायरेक्टर, छोटी सी, कितने बड़े नाम को कहते हैं डायरेक्टिंग, और यहाँ लोअर लेवल पर लिया है डायरेक्टिंग को। भाई जो काम कराना है, काम की जो गाइडलाइंस देनी है कि किसी भी काम को कैसे कराना है, किसी भी काम को कैसे करना है, इसकी जो इंस्ट्रक्शन देना है, इसको जो गाइड करना है, उन्हें जो मोटिवेट करना है और काम को परफॉर्म कराना है, वो काम हमारा डायरेक्टिंग का है। डायरेक्टिंग में सुपरविजन भी है, डायरेक्टिंग में क्या है, सुपरविजन भी है, ध्यान से रखना, सुपरवाइज करेंगे, लगातार देखते रहेंगे, वॉच करेंगे क्या वो वैसे ही वर्क कर रहे हैं या नहीं, जैसा कि हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, अगर उन्हें कहीं समस्या आ रही है तो उन्हें मोटिवेशन का काम हमें देखना है, कहीं कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही है, तो वो सब भी हम पढ़ेंगे। अलग अलग चैप्टर्स हैं मेरे पास, अलग अलग पूरे पूरे थीम है हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक तो होता था सुपरविजन, चेक करना है कि जो वर्कर्स हैं, सुपरविजन जो होता है वो ऑन द जॉब, यानी कि जो काम चल रहा है उसी समय जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स हमारे एम्प्लॉइज को आ रही हैं, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में, अपने वर्क को परफॉर्म करने में, तो उन्हें लगातार उन्हें बताना कि किस तरीके से इनको ठीक कर सकते हैं। तो जो रोल है हमारे पास जो डायरेक्टिंग का है, इसके बाद कंट्रोलिंग का काम होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो एक्चुअल में काम हुआ उसको हम प्लान परफॉर्मेंस के साथ मैच करें। भाई जो हमने प्लानिंग बनाई, जो हमने टारगेट बनाया, एक चीज तैयार की, हमने एक स्टैंडर्ड्स बनाए, वो काम हमें एक्चुअल में करना था, तो क्या वो स्टैंडर्ड्स जो हमने बनाए हैं वो एक्चुअल से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अब नहीं कर रहे हैं तो फिर हम उनके डेविएशंस को चेक करेंगे, उनमें क्या क्या अंतर है, उन अंतर को हम देखेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो अंतर को कैसे दूर किया जाए इन फ्यूचर। अब नहीं कर सकते हम,
ध्यान से देना, तो सुपरविजन में बताया था मैंने, तो सुपरविजन और कंट्रोलिंग दो अलग अलग चीजें हैं, तो कभी कभी इसका डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। और अगर हमारे माइंड में सही तरीके से डाटा नहीं आएगा, देखिए डाटा का सही आना जरूरी होता है, पर सुपरविजन है, हाँ सुपरविजन, सुपरविजन में जो वर्क चल रहा है आप उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, इज इट अकॉर्डिंग टू आवर प्लानिंग आवर गाइडलाइंस और नॉट, और अगर नहीं है कोई समस्या है तो उसे तभी ठीक कर देना। जब ये कंट्रोलिंग में क्या करेंगे, कंट्रोलिंग में जब काम कंप्लीट हो जाता है तो उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम प्लानिंग के, जो प्लानिंग में परफॉर्मेंस कही गई थी, स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे, उन स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करना है कि क्या एक्चुअल वर्क वैसे ही किया गया जैसी प्लानिंग हुई थी या नहीं हुई थी। नहीं हुआ तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या डेविएशंस आए, कहाँ कहाँ कमियां रही, जिन्हें कि हम आने वाले टाइम में भी दोबारा से ठीक कर सकते। तो देखिए समझिए, हमारे पास ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। और दूसरी जो खास बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे बीएसटी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा केस स्टडी डिस्कस की जाती है, तो केस स्टडी को आप लर्न करके नहीं कर सकते, उसे आपको अंडरस्टैंड ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच में लाना पड़ेगा, तो हर छोटी छोटी बात को आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। तो बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे जरूरी चीज है कि आप बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट जो वीडियोस है वो लगातार आपको मिलती है।